मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से एज ए सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड ए लेजर सर्जन अपनी सेवाएं समाज में दे रहा हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा अपेंडिक्स के बारे में और आपके उन सभी सवालों का जवाब दूँगा जो आपके दिमाग में हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं लेकिन कभी शायद किसी डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हैं। सबसे पहले अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स एक रबड़ के लचीले पाइप की तरह होता है। इसका साइज 8 से 10 सेंटीमीटर तक होता है और ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती हैं उसके जॉइंट पर होता है। जनरली जो अपेंडिक्स होती है वो कोई परेशानी नहीं करती है, लेकिन जो इसकी ल्यूमेन है, जो अंदर की नली है, जब वो ब्लॉक हो जाती है किसी कारणों से, तब उस अपेंडिक्स के अंदर सूजन आने लगती है और इसको हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। अब अपेंडिक्स की जो नली है वो क्यों ब्लॉक होती है? ये ब्लॉक होती है इन्फेक्शंस की वजह से। जब हमारी आंतों में कोई इन्फेक्शंस होता है, इन्फेक्शन होने से लिम्फ नोड्स बढ़ जाती हैं, गांठें बढ़ जाती हैं और वो गांठें अपेंडिक्स की गांठें को भी बढ़ा देती हैं और अपेंडिक्स की ल्यूमेन ब्लॉक हो जाती है तो उसके अंदर जितने बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करने लगते हैं और अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। या कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब हमारा मल कड़ा हो जाता है तो वो उसकी ल्यूमन को बंद कर देता है अपेंडिक्स की, और उसकी वजह से भी अंदर जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा होता है और जो सीक्रेशन होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं, और जब वो नहीं आ पाते हैं तो अपेंडिसाइटिस की बीमारी हो जाती है। या कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जब आंतों की टीबी होती है तब अपेंडिसाइटिस हो सकती है, कोई ट्यूमर हो तब भी अपेंडिसाइटिस होने लगती है। अब ये अपेंडिक्स कहाँ पर होता है? हमारे पेट में दाहिनी तरफ टूंडी से नीचे, हमारे पेट में दाहिनी तरफ टूंडी से नीचे पेट में जो दर्द होता है वो अपेंडिक्स की वजह से होता है। और पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों तरफ इसी तरफ होता है, चेंज इसकी पोजीशन स्त्रियों और पुरुषों में चेंज नहीं होती है। दाहिनी तरफ पेट में सबसे नीचे की तरफ अपेंडिक्स का दर्द उठता है। जब प्रारंभ में जो दर्द होता है वो टूंडी के चारों तरफ उठता है और फिर वहाँ से सेटल होता हुआ पेट में दाहिनी तरफ नीचे की तरफ आ जाता है। और क्या क्या अपेंडिक्स के सिम्टम्स या लक्षण होते हैं? सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता, मरीज़ की भूख कम हो जाती है, उसको उल्टी लगने लगती है, उबकाई आने लगती हैं, पेट में दर्द होता है, हल्का सा बुखार आ जाता है और मरीज़ को छींकने पर, खांसने पर या उछलने पर दाहिनी तरफ दर्द भी महसूस होता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो पेट फूल सकता है, पेट में कड़ापन आ सकता है इत्यादि इत्यादि। अपेंडिक्स का किस तरह से इलाज होता है? अगर प्रारंभ में हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। 48 घंटे तक अगर अपेंडिक्स का हम इलाज कर लें तो उसको खाली एंटीबायोटिक्स से हमारा काम चल जाता है। अगर 48 घंटे के बाद मरीज आ रहा है तो हमें उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं और 6 हफ्ते बाद ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए ऑपरेशन का जो उचित समय होता है वो प्रारंभ के 48 घंटे होते हैं या फिर 4 से 6 हफ्ते बाद होता है। इस और जल्दी क्यों नहीं ऑपरेशन करते हैं? क्योंकि अपेंडिक्स की वजह से सारी आंतों में, सारे पेट में सूजन आ जाती है और उस समय अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। जब बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है, जब अपेंडिक्स फट जाती है, तब हमको ऑपरेशन इमरजेंसी में भी करना पड़ता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन दो तरह का होता है, चीरे वाला या फिर दूरबीन वाला। जो हम चीरे वाला ऑपरेशन करते हैं उसमें हम चीरा लगाते हैं अपेंडिक्स जगह पर और फिर उसको बांधकर निकाल देते हैं। जो दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है उसमें हम बहुत छोटे छोटे से 3 छेद करते हैं और उनसे दूरबीन को और उससे हम अपेंडिक्स को निकाल लेते हैं। जो चीरे वाला ऑपरेशन होता है उसकी जगह आजकल मैं दूरबीन वाले ऑपरेशन को प्रिफर करता हूँ। इसमें बहुत जल्दी रिकवरी होती है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, मरीज काम पर जल्दी वापस जा सकता है। ऑपरेशन के बाद उसको दर्द नहीं महसूस होता है, ज़्यादा दर्द नहीं महसूस होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और इसमें जब हम करते हैं तो एक बड़े टीवी पर हम देखते हैं तो इस तरह से हमारा जो
रिजोल्यूशन होता है सर्जरी का, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो प्रारंभ में अगर आप 2 दिन के अंदर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। अगर आपका ऑपरेशन करवाने का मन नहीं है तो एंटीबायोटिक्स से भी ये रिकवर हो जाती है, लेकिन हमको देखभाल बहुत करनी पड़ती है। अगर एंटीबायोटिक्स कभी कभी असर नहीं करती हैं तो फिर हमको इमरजेंसी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अगर एक बार अपेंडिक्स एंटीबायोटिक्स लेकर दब गई हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अगर एक बार एंटीबायोटिक्स से अपेंडिक्स का दर्द दब गया हो तो भी हमको इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार दर्द उठा है तो ये संभावना रहती है कि इसका दर्द बार बार उठेगा। इसलिए अपेंडिक्स के ऑपरेशन को टालें नहीं, और जब भी पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करवा लें। क्या अपेंडिक्स जानलेवा हो सकती है? हाँ, अपेंडिक्स एक जानलेवा और फेटल डिसीज़ है अगर इसका सही इलाज न करवाया जाए, सही ऑपरेशन न करवाया जाए। और मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा है जिनको कि हम लोगों को ICU में भी भर्ती करना पड़ता है और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी अपेंडिक्स के दर्द को हल्के में ना लें। कभी कभी हमारे पेट में दर्द उठता रहता है और हम उसको गैस का दर्द समझते रहते हैं, लेकिन वो अपेंडिक्स का दर्द भी हो सकता है। अगर आपके पेट में दर्द उठ रहा है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाकर ज़रूर उसकी सलाह लें, क्योंकि हो सकता है वो अपेंडिक्स का दर्द हो। अगर अपेंडिक्स का दर्द है तो वो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। कई नर्सिंग होम में कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट लेज़र से हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल मिथ्या बात है, गलत बात है। लेज़र से केवल पाइल्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ वेरिकोज वेंस का ट्रीटमेंट हो रहा है। लेज़र से गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स का किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में क्या यूज है? जो वर्मी फॉर्म्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है कीड़ा। तो इसका पूरा नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। मनुष्यों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह माना जाता है, मतलब कि इसका कोई यूज नहीं है। जो जानवर हैं उनमें सेलुलोज पचाने के ये काम आता है, जो वो पत्ती और वनस्पति खाते हैं। मनुष्यों में कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये आंतों में डालता रहता है, और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया पनपते रहते हैं जो खाना पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। क्या अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है एंटीबायोटिक्स से, लेकिन इसका ऑपरेशन कराने की सलाह मैं दूंगा आपको, क्योंकि कभी भी इसका दर्द उठ सकता है और कभी भी ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद क्या खाना चाहिए? अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कब्ज ना हो, क्योंकि कब्ज एक खतरनाक चीज़ है और वो हाथों में सूजन पैदा कर सकती है और बीमारी को, सूजन को बढ़ा सकती है। तो हमेशा 3 से 4 लीटर पानी पिएं, फलों का, सब्जियों का, मौसम के हिसाब से और आपके एरिए के हिसाब से सीजनल एंड रीजनल फलों और सब्जियों का भरपूर प्रयोग करते रहें, रेशे का अच्छा प्रयोग करते रहें, और ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत आए धीरे धीरे टहलना शुरू कर दें और एक्सरसाइज शुरू करें। इसका ध्यान रखें, घाव का ध्यान रखें, अगर घाव पके तो उसका फ़ौरन आप इलाज करवाएं, और खांसी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि खांसी आने पर ऑपरेशन के बाद जो टाँके हैं वो टूट सकते हैं। अपेंडिक्स का और प्रेगनेंसी का कोई संबंध नहीं है। अगर आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो महिलाओं में नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। जनरली जो अपेंडिक्स है वो 10 से 30 साल के लड़कों में ज़्यादा होती है, लड़कियों में इसकी संभावना कम होती है। अगर लड़कियों में दर्द हो रहा है तो चूँकि ये एक गर्भावस्था के दिन होते हैं, आयु होती है, तो हमेशा ये चेक करने कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉमन होती है और वो भी बहुत फेटल डिसीज है। आशा है आपके सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन जो सबसे सीरियस है, अपेंडिक्स का कौन सा साइज़ डेंजरस होता है? अल्ट्रासाउंड में हम 6 मिलीमीटर तक के साइज़ को नॉर्मल मानते हैं। अगर 6 मिलीमीटर से उस अपेंडिक्स का डायमीटर ज़्यादा है तो उसको हम डेंजरस मानते हैं और अपेंडिसाइटिस की श्रेणी में लाते हैं। अगर 6 सेंटीमीटर से साइज़ ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमको ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात और है, खाली साइज़ को ही हमें नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कि अपेंडिक्स में कितनी सूजन आई हुई है, उसके आसपास
पस या फ्लूड तो इकट्ठा नहीं हो गया है, और उसके हिसाब से ही हम डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजन जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो रेडियोलॉजिस्ट ले सकता है। थैंक यू।